So लेकिन मैं सोची कि क्यों ना मैं कुछ अलग करूं और उनकी नज़रें अपने तरफ आकर्षित कर सकूं, तो इसलिए बस मैंने छोटा सा गिफ्ट उनको अपने तरफ से देना चाहूंगी। फरिश्ता लिखा है आपने, वाह। यस यस फरिश्ता। अरे वो यहाँ पे मेरे से ही मिटक गया। मिटक गया, देख रहे हैं खेसारी जी की तरफ से आप सभी लोग। ये चॉकलेट कुछ खास है। खास ये है कि हमारे जितने भी दोस्त लोग हमें कैप्चर कर रहे हैं उनकी तरफ से खेसारी जी आपके लिए, जैसे कि आनंद जी हैं, धर्म जी हैं, पूजा जी हैं, विनोद जी हैं, शिवा हैं, इन सब के तरफ से आपको चॉकलेट। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये बताइए खेसारी जी का जन्मदिन तो कल था, आज क्यों मना रही हूँ? लोगों का मुंह मीठा आज कहाँ कराया? काहे कराया? आप लोगों का मुंह मीठा इसलिए मैंने आज कराया क्योंकि मेरा मन था कुछ यूनिक करने का, और कल खेसारी जी का बर्थडे था तो उनके बर्थडे पे तो जाहिर सी बात है पूरी यूपी बिहार के लोग एकदम फिदा हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं। मतलब विशिंग करने का स्टाइल एक अलग अलग तरीके से, हमारी इंडस्ट्री के लोग भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उनको विश करते हैं, लेकिन मैं सोची कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अलग करूं। और ऐसा थोड़ी ना है कि बर्थडे आज रहेगा तो कल नहीं मना सकते, ऐसा नहीं है। एक महीने तक तो आप बर्थडे मना ही सकते हो, एक महीने तक किसी का भी बर्थडे मना सकते हो। तो वैसे ही मैं सोची कि आज मैं मनाऊँ, और बस रीज़न यही था कि मैंने बर्थडे उनको विश किया था। ऐसा नहीं कि मैंने बर्थडे विश नहीं किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे बर्थडे विश किया था, व्हाट्सअप पे उनका रिप्लाई भी आया था कि थैंक यू सो मच बेटा। तो मैं सोची कि कुछ अलग करूं इसलिए मैंने खेसारी जी का आज बर्थडे स्पेशली विश किया एंड मुंह मीठा कराया। कुछ देर पहले आप कह रही थी कि आप खेसारी जी को आज से फरिश्ता कहेंगी। यस, मैं आज से खेसारी जी को फरिश्ता बोलूँगी क्योंकि वो मैंने जो देखा कल के दिन वो बहुत मेरे लिए अनोखा था, बहुत यूनिक था। जैसे कि मैं यूनिक यूनिक चीज़ें करती रहती हूँ तो यूनिक चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है, तो खेसारी जी को फरिश्ता मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो फरिश्ता लायक हैं। वो सच में रियल लाइफ में वो फरिश्ता हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा और मैंने भी देखा, बहुत बखूबी देखा मैंने। तो उनका कल बर्थडे था, बहुत अलग अलग अंदाज से लोग बर्थडे विश करते हैं और जिनका बर्थडे रहता है वो बहुत अलग अलग अंदाज से बर्थडे मनाते भी हैं, जगह जगह पे सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं एंड। लेकिन वो खेसारी जी एक ऐसे इंसान, एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने ऑडियंस के बारे में सोचते हैं, अपने ऑडियंस से इतना प्यार करते हैं कि मतलब जितनी मैं बोलूँ कम है, बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने मतलब जितना अभी यूपी बिहार पटना के अनाथ आश्रम में उसमें उन्होंने दान दक्षिणा कराया एंड खाना भी खिलाया, कंबल वगैरह दान कराया। वो भले से वो कश्मीर में शूट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इतना कुछ कराया, ये तो मतलब उनकी पुरानी आदत है। लेकिन बर्थडे के दिन जो इंसान करता है ना, वो लोगों के लिए और वो मतलब किसी अजनबी के लिए, किसी अनजान लोगों के लिए जिसका कोई सहारा नहीं, उसके लिए सच में वो फरिश्ता होता है। तो मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख मिली और मैं सच में उनको आज से खेसारी जी तो मैं बोलती थी लेकिन अब फरिश्ता जी बोलूँगी। क्या बात है। ये बताइए कि अभी तक आपने उनके साथ में गाना बहुत किया, फिल्में नहीं आई, तो क्या हम ये मान कर चलें कि वो आपके फरिश्ता बन सकते हैं फिल्मों में लाकर? मैं भी तो यही चाहूँगी क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं खेसारी जी के साथ फिल्म में लीड प्ले करूँ। और मैं बस यही दुआ करती हूँ, हमेशा दुआ करती हूँ और आज भी मैं दुआ कर रही हूँ कि बहुत जल्द ऐसा कुछ चमत्कार हो कि खेसारी जी के अपोजिट में काम करूँ। और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ और बहुत लोगों के वो क्या बोलते हैं, गॉडफादर भी हैं एंड वो बोलते हैं ना कि क्रश, बहुत लोगों के क्रश भी, जितनी भी हमारी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, मैंने सुना है उनके मुंह से कि खेसारी जी की बॉडी, खेसारी जी की पर्सनालिटी, उनके क्रश हैं। लेकिन मेरे क्रश हैं, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कभी, लेकिन आज मैं बर्थडे के दिन उनके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो मेरे क्रश क्यों हैं। क्योंकि उनका जो काम है, उनका जो कला है, उनका जो पब्लिक से प्यार करने का अंदाज है, वो मेरे क्रश है। उनकी जो एक्टिंग है वो मेरी क्रश है। तो फरिश्ते इसलिए क्योंकि वो सच में नहीं, अब फरिश्ता पार्ट टू भी आ रही है। हाँ। तो क्यों नहीं, मौका भी है, आप कैमरे पे देख करके सीधे कह देती कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कला से लोग मुझे पूछे, मैं चाहती हूँ कि
किसी का नुकसान ना हो। मैं चाहती हूँ कि सामने से मुझे कॉल आए, मैं गिड़गिड़ाऊँ ना, भीख ना मांगूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं ना करूँ। मैं चाहती हूँ कि सच में लोग उनके में कहानी में फिट बैठूँ, उनकी फिल्म में मैं फिट बैठूँ, वो किरदार में कर सकूँ, वो एक्टिंग में कर सकूँ, वो कला में दिखा सकूँ उस जरिए। तो मैं चाहती हूँ ऐसा हो, तभी लोग मुझे साइन करें। और फरिश्ता 2 में तो जाहिर सी बात, मैं पूरी कोशिश करूँगी एंड मेहनत भी करूँगी कि मैं दिखूँ। खेसारी जी, आपको फिर से वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, गॉड ब्लेस यू। जहाँ भी रहें बस ऐसे ही पब्लिक के दिलों पर राज करते रहें, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप लोग भी उनको देते रहिए कि वो वहाँ पर बरकरार रहें।